तो भाई स्टार्ट हो गई भाई, सिंगल क्लिक में स्टार्ट हुई है भाई, और साइलेंसर की वॉइस सुन रहा हूँ आप। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू गाड़ी वाला चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप लोग से बेचे होंगे। तो भाई हमारे सामने खड़ी है होंडा की शाइन 125, और भाई इसको जो बाइक टक्कर देती है ना भाई, हीरो और टीवीएस इस बाइक को बहुत, मतलब जो होंडा है ना उसको टीवीएस और हीरो की, मतलब जो दो बाइक है, एक तो टीवीएस की राइडर हो गई और एक हीरो की मतलब जो एक्सट्रीम 125 हो गई, भाई होंडा 125 को ये दो बाइक की टक्कर दे रही है दबा के। तो भाई शुरुआत करते हैं होंडा की शाइन 125 के बारे में, इसका पूरा डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं बार बार में हर बार भूल जाता हूँ हर वीडियो में भाई। सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन के बारे में बता देता हूँ, कितना सीसी का इसका इंजन होने वाला है और क्या क्या सौदा होगा नॉर्मली। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, 125 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलेगा, जो कि 4 स्ट्रोक SI BS6 इंजन होगा भाई। और इसकी मैक्स पावर होगी 10.74 PS की इसकी मैक्स पावर होगी। और इसकी टॉर्क की बात कर लेते हैं, जो कि लगभग इसकी टॉर्क होगी 11 Nm के आसपास इसकी टॉर्क होगी भाई। और एक चीज इसके साथ इसका माइलेज की बात कर ले तो भाई 11 लीटर के आसपास इसका फ्यूल टैंक होगा, और माइलेज देती है करीबन 55 से 60 के आसपास ये बाइक माइलेज निकाल के देती है, जो काफ़ी शानदार होने वाला है भाई। और माइलेज की मैं बता दूँ आपको, इतना तो माइलेज जो राइडर है वो बाइक निकाल के नहीं दे रही जितना शाइन 125 दे रही है और SP 125 दे रही है। और होंडा की दो बाइकों में ना इतना मतलब जो कम्पीट चल रहा है भाई, एक तो शाइन हो गई और एक जो SP है, इन दोनों में बहुत काफ़ी मतलब बहुत तगड़ी टक्कर चल रही है। और अब आपको बताते हूँ पूरी नॉर्मल बाइक के बारे में कि क्या क्या सौदा होने वाला बाइक में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए इसमें एक जो ब्लैक कलर का आप देख सकते हो वाइजर देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है। और होंडा की आपको यहाँ पे स्टिकरिंग दिख जाएगी। हेडलाइट की बात करते हैं तो हेडलाइट आपको हेलोजन में देखने को मिलेगी, जो काफ़ी तगड़ी और काफ़ी मतलब लंबा फोक्स होने वाला है इसका। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर की, जो कि आपको बल्ब में इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो बल्ब में इंडिकेटर। और हेडलाइट आप कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी भाई। मैं इसके आपको पासिंग स्विच दिखा देता हूँ, क्या पासिंग स्विच होने वाली है, मतलब काफ़ी तगड़ी पासिंग स्विच होने वाली है इसकी। और इसके नीचे आपको नॉर्मल सभी बाइक में होता है, यहाँ पे आपको जो इसका नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन होता है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 31 mm के आसपास सस्पेंशन की लंबाई होने वाली है। दोनों साइडों में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और भाई मडगार्ड की जो क्वालिटी है ना, वो काफ़ी तगड़ी मडगार्ड की क्वालिटी होने वाली है इसमें। अब इसके नीचे बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो भाई इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो निफिन के ब्रेकिंग सिस्टम है, वो निफिन के ब्रेकिंग सिस्टम होने वाले हैं। और टायर साइज मैं बता देता हूँ आपको, ट्यूबलेस टायर होंगे और टायर मैं बता देता हूँ आपको, ट्यूबलेस टायर होगा और साइज मैं बता देता हूँ 180-118 की इसके आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं भाई, ये हमारे सामने खड़े डिस्क वाला मॉडल का है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम में एंड एक डिस्क में भाई, दो वेरिएंट आते हैं। तो हमारे सामने है डिस्क वाला मॉडल, तो आप देख सकते हो ये हमारे सामने डिस्क वाला मॉडल है। और अलॉय सिंगल अलॉय व्हील में आपको ये मतलब देखने को मिल जाएगा, जो कि 17 इंच की अलॉय व्हील होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो E20 की बैजिंग के साथ आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा, और आप पूरा चेक कर सकते हो क्या क्या सौदा होने वाला है फ्यूल टैंक पे। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, होंडा की जो बैजिंग है ना भाई, TVS ने अपनी जो बैजिंग है ये क्रोम की बैजिंग ये हटा दी, स्टिकर में दे दी। बट जो होंडा है ना भाई, होंडा तो होंडा है भाई, होंडा अभी भी यही बैजिंग सिल्वर कलर में, होंडा के जो स्टिकर की बैजिंग नहीं दी है होंडा ने अभी, और यहीं पे जो होंडा की जो बैजिंग है क्रोम कलर की फिनिशिंग के साथ होने वाली है, जो कि सिल्वर कलर में होगी। थोड़ी काफ़ी मतलब क्लासिक लग रही है भाई बाइक खड़ी खड़ी, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 लीटर का फ्यूल टैंक होगा। इस साइड में आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगी, माइलेज आपको करीबन 55 से 60 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा। इंजन की डिटेल मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, कितने सीसी का इंजन होने वाला है। सीट हाइट मैं बता देता हूँ आपको, सीट सिंगल सीट में आपको बाइक देखने को मिलेगी, और आपको सीट हाइट मैं बता देता हूँ 790 mm के आसपास, 790 mm के आसपास इसकी सीट हाइट होने वाली है। और इसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, जो कि करीबन 180 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा। तो ये सारा सौदा कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा आपको। अब आगे नॉर्मल आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो किक देख रहे हो ना आपके सामने किक देखने को मिल जाएगा। हीरो में आप हीरो की जैसे नॉर्मल बाइक है ना, उनमें आपको किक देखने को नहीं मिलता, TVS में आपको किक देखने को नहीं मिलता, बट होंडा का सेकंड प्लस पॉइंट है कि आपको इसमें किक भी देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ मुझे और ज़्यादा काफ़ी अच्छी लगी। रियर ब्रेक हो गया, फुटरेस्ट वाला हो गया, और ये साइलेंसर हो गया। साइलेंसर की आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ, क्या इसकी साइलेंसर की वॉइस होने वाली है भाई। तो भाई स्टार्ट हो गई भाई, सिंगल क्लिक में स्टार्ट हुई है भाई, और साइलेंसर की वॉइस सुन रहा हूँ आप।
तो भाई कुछ इस प्रकार आपको इसमें साइलेंसर की वॉइस या एग्जॉस्ट जो साउंड होने वाला है वो सुनने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में 125 की आपको स्टिकरिंग की बजिंग देखने को मिल जाएगी। ESP एनहेंस स्मार्ट पावर आपकी जो स्टिकरिंग की जो यहाँ पे स्टिकर है वो देखने को मिल जाएगा। पिछले सस्पेंशन की बात कर लेते हैं या रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, जो कि आपको ट्विन सस्पेंशन मिलेंगे, एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। तो भाई इसी के साथ पीछे टायर साइज की बात कर लेते हैं, तो पीछे का जो रियर का टायर है उसकी आप साइज देख सकते हो, सेम साइज होने वाली है 80/118 की। आपको फ्रंट का टायर साइज सेम मिलेगा एंड जो रियर का टायर साइज है वो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब रियर का टायर साइज आपको थोड़ी ग्रिप छोटी देखने को मिलेगी, आप चेक कर सकते हो, तो ये थोड़ी एक ग्रिप बड़ी देनी चाहिए थी। और अब पीछे आप देख सकते हो साइन का कि आपको स्टिकर में ये स्टिकर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप ऊपर से बात कर लेते हैं, तो ऊपर आपको सिंगल जो इसका ग्रैब है, ग्रैब व्हील है या ग्रैब हैंडल है पकड़ने के लिए, ये काफ़ी मजबूत आपको मिल जाएगा। टेललाइट की बात करते हैं, पीछे आपको टेललाइट देखने को मिल जाएगी, इंडिकेटर दोनों साइडों में हो जाएंगे, रिफ्लेक्टर हो गया, नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन हो गई और ये मड गार्ड हो गया। भाई अब इस साइड में बात करते हैं, तो भाई इस साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड, पूरा जो साड़ी गार्ड है वो देखने को मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी फाइबर यहाँ पे कुछ साड़ी का वो जो फाइबर का सौदा है वो भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा मतलब साड़ी गार्ड भी आपको तगड़ा वाला देखने को मिल जाएगा। और चैन कवर की ओपन चैन कवर आपको, जैसे सभी बाइक्स में आपको ओपन चैन कवर मिलता है, बट इस बाइक में आपको ओपन चैन कवर नहीं मिलता। राइडर की बात करते हैं तो राइडर में आपको ओपन चैन कवर मिलता है, हीरो की एक्सट्रीम 125 में बात करते हैं तो उसमें भी आपको ओपन चैन कवर मिलता है, बट जो शाइन 125 है इसमें आपको ओपन चैन कवर नहीं मिलता, फुल चैन कवर मिलता है। और ये चैन कवर भी आपको फाइबर का देखने को मिल जाएगा और थोड़ा तगड़ा चैन कवर है, काफ़ी अच्छा मतलब जो चैन कवर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है भाई। और अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी मतलब साउंड बैकग्राउंड साउंड नॉइस ज़्यादा आ रही है, तो भाई यहाँ पे अभी भाई अपना जो मैकेनिक है वो सारा काम कर रहे हैं भाई, तो इस वजह से आप थोड़ा इस साउंड को इग्नोर करना। और आगे बात कर लेते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं इसके गियर सिस्टम की। यहाँ पर आप सारा चेक कर लिया, यहाँ पर सारा सौदा आपने चेक कर लिया क्या सौदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो भाई 5 गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मतलब नॉर्मल सभी बाइक में, अभी की जो E20 की बाइक्स आ रही है उन सभी में आपको 5 गियर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे भाई। साइड स्टैंड हो गया, मिडिल स्टैंड हो गया और ये पूरा इंजन वाला हो गया। इस साइड की जो पोर्शन है वो आप चेक कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आपको बाइक का जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। आगे से मैं लुक दिखा दूँ आपको, आगे से भी कुछ इस प्रकार से आपको जो बाइक का लुक है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी खड़ी मतलब जो बाइक खड़ी है ना भाई, क्लासिक बाइक लग रही है, काफ़ी अच्छी बाइक लग रही है। अब बात कर ले सीट की, मैं बता दूँ सीट भाई काफ़ी अच्छी है बाइक की, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते इसके हैंडल बार की, भाई सबसे पहले हैंडल बार में आपको दोनों साइडों में जो ब्रेक की, एक साइड में क्लच एक साइड में ब्रेकिंग वाला, पासिंग लाइट आप चेक कर सकते हो, इंडिकेटर आप सामने से चेक कर सकते हो, इंडिकेटर भी काफ़ी अच्छे तक रहे। और इंडिकेटर का नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन क्या जो नेविगेशन हो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मतलब तगड़ा से नेविगेशन दे रखा है। फोन है आपको मैं चेक करवा दूँ, हॉर्न थोड़ी भाई, हॉर्न का जो हॉर्न का जो साउंड है वो थोड़ा मतलब पतला सा साउंड है, तो ये थोड़ा मतलब साउंड थोड़ा तेज करना चाहिए था बस, आप चेक कर लो भाई हॉर्न का साउंड, मैं कुछ नहीं बोल सकता, थोड़ा लड़कियों वाला साउंड दे रखा है, थोड़ा तगड़ा वाला साउंड दे दी। इस साइड में आपको किल स्विच, एक स्विच में किल स्विच हो गया और ऑन ऑफ वाला बटन हो गया सेल्फ स्टार्ट वाला, एक स्विच में आपको, तो भाई ये चीज़ थोड़ी मतलब अलग अलग देनी चाहिए थी बट कंपनी ने एक में कर दी, तो ये भी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मैन इसके अंदर जो इसका जो सेमी डिजिटल मीटर होने वाला है भाई उसके बारे में, 140 तक आपको स्पीड वाला देखने को, स्पीड मीटर देखने को मिल जाएगा, किलोमीटर वाला हो गया, RPM वाला हो गया और किलोमीटर प्रति लीटर आप दिखा रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्मल जो इंडिकेटर वाला सिस्टम है ये भाई, पासिंग स्विच वाला सिस्टम हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी बाइक न्यूटन में खड़ी है। और जो साइड स्टैंड कट ऑफ वाला सिस्टम है वो भी देख सकते हो आप, अभी मैं साइड स्टैंड लगा हुआ है भाई ऊपर कर दिया, तो भाई ये हट गया भाई। फ्यूल्ड वाला आप या फ्यूल का जो सिस्टम है वो आपको दिखा रहा है भाई यहाँ पे। और इसमें जो नॉर्मली ट्रिप मीटर ओडोमीटर आता है भाई, इन सब में बाइक्स में नहीं आता, वो डिजिटल मीटर जो कंसोल होता है, डिजिटल मीटर कंसोल होता है, उन सब में आता है भाई वो वाला। तो इन सब बाइक में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बाइक खरीदो और चलाओ बस। और सबसे मेन चीज़ प्राइसिंग की मैं बता देता हूँ आपको भाई, डिस्क वाला जो मॉडल हमारे, डिस्क वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, डिस्क एंड ड्रम वाला वेरिएंट, इसकी प्राइसिंग होने वाली भाई 80,000 के आसपास, इसकी प्राइसिंग आपको जो कि एक्स शोरूम प्राइसिंग होने वाली है, मैं फिर बता देता हूँ आपको 80,000 के आसपास शाइन 125 की डिस्क एंड ड्रम वाले की प्राइसिंग होने वाली है जो कि एक्स शोरूम प्राइसिंग होगी। तो भाई आप चेक कर लेना, ऑन रोड प्राइसिंग आपको 10,000 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़कर मिल जाएगी जो कि RTO और इंश्योरेंस के से इंश्योरेंस में कंबाइन हो जाएगी भाई वो, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना भाई। तो भाई ये हो गया पूरा वीडियो, और मिलते हैं आपको होंडा की फिर से नई बाइक के साथ में, तो धन्यवाद भाई।